वेलकम टू सजीर भाई गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरे पास आया है TVS कंपनी का, जैसे BS4 बाइक है और इस बाइक में हो क्या रहा है, जैसे कि किलोमीटर भी काम नहीं कर रहा है। तो गाइस जब भी हम लोगों का ABS लाइट जैसे कि काम नहीं कर रहा है या किलोमीटर काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा ABS LED लाइट है। ये हम लोगों का जब वर्किंग करेगा, काम करेगा, ये बिलिंग करेगा। अगर बिलिंग ना करे तो हम लोगों का बाइक में सिस्टम में कुछ कमी है, कुछ खराबी है। तो फिलहाल जैसे कि इस बाइक को जैसे कि डीलर के पास भी लेके गया था और बहुत कुछ करके देखा है, बट बोल रहा था कि वायरिंग हम लोगों को बदलना पड़ेगा। तो गाइस आज आप लोगों को बताऊंगा इसी वायरिंग रहेगा और एक्चुअली क्या फॉल्ट है सब आप लोगों को बताऊँगा, और जितना भी डिटेल्स है ABS का रिलेटिव वो भी आप लोगों को बताऊँगा, जो क्या क्या हम लोगों को चेकअप करना चाहिए, किस जगह पर हम लोगों को वोल्टेज आएगा, किस जगह पर हम लोगों को ओम्स आएगा, कितना रीडिंग आएगा, सभी आप लोगों को बताएंगे। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग चेकअप करेंगे कंट्रोलर में, जो हम लोगों का वोल्टेज वगैरह है सब कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो गाइस इस कंट्रोलर में हम लोगों को पता चल जाएगा जो इसके अंदर एक्चुअली हम लोगों का क्या प्रॉब्लम है। तो हमने कंट्रोलर को खोला है और गाइस इसी वायर में देखिए, एक रेड में हम लोग का सफ़ेद कलर की जो वायर है, इस वायर में हम लोग वोल्टेज चेकअप करेंगे 12 वोल्ट की वोल्टेज यहाँ हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं। तो नीचे से एक नंबर पे हम लोगों को यहाँ वोल्टेज देखने को मिलेगा। अब सवाल है मल्टीमीटर को 20 में करेंगे, उसके बाद यहाँ एक टर्मिनल में लगाएंगे और इसी जगह पर हम लोग लगाएंगे। तो गाइस यहाँ 12 वोल्ट हम लोगों को आसानी से मिल रहा है, देखिए आसानी से हम लोगों को 12 वोल्ट मिल रहा है गाइस, ठीक है। अब हम लोग चेकअप करेंगे जो किलोमीटर की हम लोगों का जो वायर है इसको हम लोग चेकअप करेंगे कौन सा वायर में। यहाँ देखिए दोनों वायर हैं, एक सफ़ेद में ब्लू और एक रेड में हम लोगों का हरा। ये दोनों वायर जो होता है हम लोगों का मीटर की लाइट है, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए इसको हम लोग देखिए गाइस, ये जो वायर है सफ़ेद में ब्लू और जैसे ऑरेंज में हम लोगों का हरा। चलिए इसको खोलता हूँ, पहले हम लोग चेकअप करेंगे यही से कनेक्शन वगैरह। तो गाइस ये जो कपलर है इसमें हम लोगों को कुछ भरना पड़ेगा और हम लोग चेकअप करेंगे जो पहले ये वाला वायर को, ठीक है, ये वाला वायर को। तो चलो एक वायर यहाँ लगाता हूँ, कहीं बीच से अगर वायर कटा रहा है तो हम लोगों को पता नहीं चलता है जो कुछ हम लोगों का प्रॉब्लम है। इसको पकड़ के रखो और इसी जगह पे एक हम लोगों को जैसे कि एक लगाएंगे दो नंबर पर, इसी वायर पे, ठीक है, दो नंबर पर। तो अब हम लोग कंटिन्यू में करके चेकअप करेंगे वायरिंग हम लोगों का सही है या ख़राब है। तो एक वायर यहाँ लगाएंगे और एक वायर इसी जगह पे लगाएंगे। तो गाइस हम लोगों का शो कर रहा है, इसका मतलब जो ये वायर हम लोगों का एकदम परफेक्ट सही है, वायरिंग कटा हुआ नहीं है। अब दूसरों के हम लोग यूज करेंगे एक दो तीन नंबर पर, चलो तीन नंबर पर, और इसको भी हम लोग बदलते हैं इसी जगह पे करेंगे गाइस, ठीक है। चलिए तो गाइस यहाँ भी हम लोगों का शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ भी शो कर रहा है, इसको लूज कर रहा है थोड़ा, लूज कर रहा है, रुको। इस कपलर में एक प्रॉब्लम है गाइस, ठीक है, ये वायर जो है हम लोगों का मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। चलिए देखता हूँ क्या हुआ है। कपलर को हम लोग जैसे कि इसमें यूज करेंगे सिर्फ इसको भरने के लिए, ठीक है, यहाँ हम लोग यूज करेंगे, पतला इसको डबल दीजिए। रुकिए रुकिए अभी मैं ठीक कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, तो हमने यहाँ जैसे कि इस कपलर पे भर दिया है। अब इसका सॉकेट जो है गाइस इसके अंदर हम लोग जैसे कि उपयोग करेंगे, तो हमने भर दिया है। अब यहाँ से हम लोग जैसे कि चेकअप करेंगे यहाँ हम लोग का कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं, अगर मिलेगा तो ही हम लोग का काम करेगा। तो चलो इस पर हम लोग कोशिश करेंगे, तो बराबर मिल रहा है, फिर भी हम एक वायर को इसके साथ अटैच कर देंगे।
गाइस यहाँ से हमने अटैच कर दिया है। अगर यहाँ हम लोग वोल्टेज अगर नहीं आए तो हम लोगों को जैसे कि यहाँ दिया जाता है ABS के लिए एक स्विच बॉक्स है गाइस, इसी जगह पर मैं आपको बता देता हूँ। अलग अलग स्विच बॉक्स दिया गया है, जैसे कि यहाँ देखिए रेड में वाइट और रेड में वाइट, तो फ्यूज अगर कट जाता है यहाँ वोल्टेज नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैंने वोल्टेज चेकअप कर लिया, वोल्टेज सही है। उसके बाद मैंने इसका कनेक्शन चेकअप किया, ये भी सही है, बट मुझे फॉल्ट लगा यहाँ का। तो चलिए अब हम लोग कपलर को सेटिंग करेंगे, सेटिंग करने के बाद काम हो रहा है कि नहीं। चाबी को बंद कीजिए। अब हम लोग को लाइट बिलिंग कर रहा है कि नहीं हम लोग देखेंगे। तो गाइस अभी भी हम लोगों का लाइट बिलिंग नहीं कर रहा है, अभी भी बिलिंग नहीं कर रहा है। तो कुछ हम लोगों को जैसे कि बैटरी का इस जगह पर हम लोगों को चेकअप करना पड़ेगा, जो ग्राउंड ठीक से मिल रहा है कि नहीं, और यहाँ एक वोल्टेज सही ठीक से मिल रहा है कि नहीं। इसमें भी हम लोगों को दिया जाता है, जैसे कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड हम लोगों को देखना है और वोल्टेज देखना है। तो यहाँ मुझे लगता है जिसके कितना कचरा वगैरह है, सभी से खोलता हूँ, खोलने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ जो ये सफा करने के बाद बाइक में हो रहा है कि नहीं। तो चलिए चाबी को बंद कीजिए। कितना हम लोगों का कचरा है, कचरा जमा हुआ है। तो चलिए सब हम लोग सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद हम लोग जैसे कि फिटिंग करेंगे। तो चलो सफाई कर लेता हूँ। सबसे पहले ये वोल्टेज है, ये अगर वायर खुला रह गया तो हम लोग का ABS काम नहीं करेगा। तो फिलहाल अभी कचरा रहने से भी हम लोग का दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वोल्टेज हम लोगों का ABS कंट्रोलर से ये भी एक वोल्टेज जाएगा। मैंने सफा करके लगा दिया है और एक बॉडी यहाँ दिया है और यहाँ वोल्टेज दिया है। तो सफाई करके मैंने लगा दिया है। अब चलो हम लोग का लाइट जो है ब्लिंक कर रहा है कि नहीं। तो गाइस अभी भी हम लोगों का लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है वही हम लोगों को देखना है। अभी भी हम लोगों का लाइट जो है ब्लिंक नहीं कर रहा है। गाइस मैंने चेकअप किया, जो इसका कपलर है, ये कपलर मुझे डाउट लग रहा है इसी जगह पर। देखो एक कपलर दिखाई दे रहा है और नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या किया, एक वायर को यहाँ से हमने कट दिया, इस कपलर को कट दिया है। अब मैंने तार को ज्वाइंट किया डायरेक्ट, क्योंकि कपलर अगर लूज करे तो भी हम लोग का दिक्कत में आ सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी हम लोगों का काम कर रहा है कि नहीं। तो गाइस ABS लाइट हम लोग का चालू हो चुकी है, ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग व्हील घुमाएं तो ऑटोमेटिक हम लोग किलोमीटर काम करेगा। तो चलो आप लोग को दिखाता हूँ। चलो व्हील को घुमाओ। तो गाइस यहाँ हम लोग का किलोमीटर भी रनिंग हो चुकी है। छोड़ो, हाथ छोड़ो, ब्रेक मार रहा हूँ। चलो उठाओ, ब्रेक मार रहा हूँ। चलो बस 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 बस। तो गाइस ऑटोमेटिक हम लोगों का बिलिंग कर रहा है। अब इससे हम लोगों का होगा जो बाइक का जो हम लोगों का ABS है वो भी काम करेगा और किलोमीटर भी काम करेगा। तो चलो जैक वगैरह लगाता हूँ, लगाने के बाद हम लोग दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइस एकदम मैंने फाइनल कर लिया, तार भी ज्वाइन कर दिया और सॉकेट को अच्छी तरह से लगा दिया है। अभी देखो हम लोगों का बिलिंग कर रहा है, आप लोग प्रूफ करके दिखा देता हूँ। पकड़ को इस वायर को अगर हम लोग जिसमें कि खोल लें तो हम लोग का लाइट जो है देखो ऑटोमेटिक हम लोगों का लॉक हो गया है और बिलिंग नहीं कर रहा है। फिर इसको हम लोग लगाएंगे, एक बार चाबी को बंद करना पड़ेगा। देखो बिलिंग कर रहा है। तो आप लोगों ने देखा सभी वायर मैंने चेकअप किया, जैसे कि इसका रीडिंग भी चेकअप किया, इस वायर को हम लोग वायरिंग के साथ चेकअप किया, इसका वोल्टेज चेकअप किया, जैसे फ्यूज बॉक्स भी चेकअप किया, ये जो हम लोग का ग्राउंड है, वोल्टेज है, सब चेकअप किया। करने के बाद जो फोल्ड था इसी जगह मुझे फोल्ड लगा था और मैंने जैसे कि इसमें वॉक किया, खोलने के बाद कनेक्शन हो गया है। अब हम लोग का ब्रेक काम कर रहा है, जैसे कि ABS काम कर रहा है और लाइट भी काम कर रहा है। तो गाइस आज आप लोगों को बताया TVS Apache RTR बाइक BS4 में अगर ABS लाइट हम लोग का ब्लिंक नहीं कर रहा है, किलोमीटर नहीं चल रहा है, तो क्या क्या स्टेप आप लोग फॉलो कीजिए। जैसे कि आप लोगों को दिखाया वोल्टेज, दिखाया
जैसे कि ओम्स दिखाया, कितना रीडिंग हम लोग को आना चाहिए, जैसे कि किलोमीटर की वायर हम लोग कैसे चेकअप करें, जैसे वायरिंग के साथ कैसे चेकअप करें, सभी आप लोगों को जैसे कि ABS रिलेटिव आप लोगों को बताया। तो इस वीडियो को अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे इस तरह का हेल्पफुल वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु यूट्यूब चैनल के साथ।